वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माय हेल्थी इंडिया। और आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आपसे बात करूंगा किडनी फेल होने के 6 लक्षण के बारे में। तो छठा जो लक्षण है वो बेहद जरूरी होता है और आपने देखा होगा कि जिन लोगों के किडनी फेल होती है उनमें जो छठा लक्षण है वो अक्सर दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आपसे कंप्लीटली बात करूंगा कि अगर किडनी फेल होती है तो वो 6 लक्षण कौन से होते हैं। किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और जब वो काम करना बंद कर देती है तो हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। आजकल की गलत खान पान के कारण किडनी डैमेज की समस्या बहुत ही बढ़ रही है और किडनी जो है वो हमारे शरीर में से विषैले पदार्थ को बाहर निकालती है और खून को भी साफ करती है। किडनी हमारे शरीर में से क्रिएटिनिन, यूरिया और पोटेशियम जैसे जो जहरीले पदार्थ होते हैं उन्हें यूरिन के द्वारा बाहर निकालने में हेल्प करती है। हड्डियों में मौजूद जो कैल्शियम होता है उसमें रासायनिक क्रिया का संतुलन भी किडनी करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में अगर एक किडनी डैमेज हो जाए तो दूसरी जो किडनी है वो पूरा काम बॉडी के लिए करती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं किडनी डैमेज होने के लक्षण की। तो छठा जो लक्षण है वो बेहद जरूरी है, लेकिन यहां पर बात करते हैं पहले लक्षण की। तो पहला लक्षण ये है कि अगर आपको भूख नहीं लगती है इसके बावजूद भी अगर आपको बार बार उल्टी होती है तो ये किडनी डैमेज होने का सबसे पहला लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें दूसरे लक्षण की तो दिन भर आराम करने के बावजूद भी अगर आपको थकान लगती हो या फिर कमजोरी रहती है तो कहीं ना कहीं ये भी एक लक्षण हो सकता है आपकी किडनी खराब होने का। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तीसरे लक्षण की तो अगर आपको दिन में कम पेशाब लगता हो, यानी कि दिन में 1 से 2 बार लगता हो, 1 से 2 बार केवल आप पेशाब के लिए जाते हैं, तब ये किडनी खराब होने का लक्षण हो सकता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें किडनी खराब होने के चौथे लक्षण की तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, आपने बहुत सारी दवाइयां भी ले ली, बहुत सारे उपाय भी कर लिए, उसके बावजूद भी अगर आपका जो प्रेशर है वो कम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि आपकी जो किडनी है वो खराब हो सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें पांचवें लक्षण की तो अगर आपकी पूरे बॉडी में या फिर पैरों में जो है वो लगातार सूजन बनी रहती है, आप बहुत सारी दवाइयां भी करते हैं उसके बावजूद भी सूजन जो है वो लगातार बनी रहती है तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी किडनी खराब हो। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें किडनी डैमेज होने के छठे लक्षण की जो कि बेहद ही खतरनाक होता है, हालांकि देखने में वो बहुत ही सामान्य है लेकिन वो काफी खतरनाक होता है, तो अगर आपके पूरे बॉडी में बार बार खुजली आती है, बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी अगर आपको बार बार खुजली आती है तो कहीं ना कहीं ये संकेत होता है कि आपकी जो किडनी है वो खराब हो रही है। तो अगर आपको बार बार खुजली आती है तब आपको किडनी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और अगर यहाँ पर बात करें कि हम किडनी डैमेज होने से कैसे बचा सकते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी आदत डालनी है। दिन में आपको कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना है, यानी कि 2 से 3 लीटर आपको दिन में पानी पीना है। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप दिन में कितने ग्लास पानी पीते हो। अगर आप ये छोटी सी आदत डाल दोगे तो यहाँ पर मुझे 110% यकीन है कि आप अपनी किडनी को सेफ रख सकते हैं।